वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने द डॉग्स टेल पढ़ा था, द डॉग्स टेल। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस यू द क्वेश्चन आंसर सेक्शन। आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। पहले रीड एंड फाइंड, आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली। क्वेश्चन आंसर है पहले, नंबर वन इज व्हाट डिड द फार्मर विश टू हैव, व्हाट डिड द फार्मर विश टू हैव। फार्मर को क्या इच्छा थी, व्हाट डिड द फार्मर विश टू हैव, उसे जीनी चाहिए था। तो आंसर में क्या लिखेंगे, द फार्मर विश टू हैव ए जीनी एज ए सर्वेंट। What did the farmer wish to have? The farmer wished to have a genie as a servant. The farmer wished to have a genie as a servant. Number two, who appeared before the farmer? Who appeared before the farmer? Farmer के पीछे कौन suddenly आ गया? Who appeared? तो जीनी अपीयर्ड। हु के स्थान पर हम जीनी लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा, द जीनी अपीयर्ड बिफोर द फार्मर, द जीनी अपीयर्ड बिफोर द फार्मर। नंबर थ्री, हाउ डिड द जीनी लुक, हाउ डिड द जीनी लुक। जीनी दिखने में कैसा था, दिखने में वो बड़ा और शक्तिशाली था। द जीनी लुक्ड वेरी बिग एंड स्ट्रांग, द जीनी लुक्ड वेरी बिग एंड स्ट्रांग। दिखने में वो बड़ा और शक्तिशाली था। नंबर फोर, व्हाट डिड द जीनी डू इन द फार्मर्स फील्ड, व्हाट डिड द जीनी डू इन द फार्मर्स फील्ड। पहले फार्मर ने उसे फील्ड में भेजा था क्या करने के लिए, तो आंसर में वही लिखेंगे जो जीनी ने किया, द जीनी डग ए वेल, द जीनी डग ए वेल इन द फार्मर्स फील्ड, द जीनी डग ए वेल इन द फार्मर्स फील्ड। जीनी फार्मर के फील्ड में कुआं खोदने गया था। नंबर फाइव, व्हाट डिड द जीनी बिल्ड फॉर द फार्मर, व्हाट डिड द जीनी बिल्ड फॉर द फार्मर। जीनी फार्मर के लिए क्या बनाया, व्हाट डिड द जीनी बिल्ड फॉर द फार्मर। फार्मर के लिए उसने फाइव स्टोरेज का एक बिग हाउस बनाया था। तो अब हम लिखेंगे, द जीनी built a big house for the farmer, the genie built a big house for the farmer। देखिए ये सारे सेंटेंस में जहां भी डिड लगा हुआ है और लिखने में आंसर लिखने में वो वर्ब पास्ट टेंस हो जाएगा। द जीनी बिल्ट ए हाउस, बिग हाउस फॉर द फार्मर। नंबर सिक्स इज, What did the genie want to eat? What did the genie want to eat? जीनी को क्या खाने की इच्छा थी? जीनी को क्या खाने की इच्छा थी? The genie wanted to eat his master's flesh. The genie wanted to eat his master's flesh. उसे उसकी मास्टर का मांस खाना था। नंबर सेवन, व्हाट डिड द स्कूल मास्टर गिव टू द फार्मर, व्हाट डिड द स्कूल मास्टर गिव टू द फार्मर। स्कूल मास्टर ने फार्मर को क्या दिया था, एक डॉगी दिया था। तो लिखेंगे द स्कूल मास्टर गिव हो जाएगा गेव, द स्कूल मास्टर गेव ए डॉगी टू द मास्टर, द स्कूल मास्टर गेव ए डॉगी टू द फार्मर। नंबर एट,
जीनी को कौन सा काम नहीं हुआ, ऐसा क्या काम दिया गया था कि जीनी उसे नहीं कर पाया। द जीनी कुड नॉट स्ट्रेटन द डॉग्स टेल। द जीनी कुड नॉट स्ट्रेटन द डॉग्स टेल। जीनी ने सब काम कर दिया पर उसने डॉगी की पूछ उससे डॉगी की पूछ सीधी नहीं हो पाया। तो आंसर है द जीनी कुड नॉट स्ट्रेटन द डॉग्स टेल। एंड ये हो गया आंसर्स इच क्वेश्चन ब्रीफली। देन वर्ड पावर, गिव द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज देम इन सिंपल सेंटेंस। गिव द अपोजिट्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, उनके अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं एंड यूज देम इन टू सिंपल सेंटेंस। सीधे साधे सेंटेंस लिखना है। ऑलवेज, ऑलवेज का मीनिंग है हमेशा, सर्वदा, तो उसका ऑपोजिट होगा नेवर। ऑलवेज नेवर, तो सेंटेंस बनाएंगे नेवर टेल लाइज, नेवर टेल लाइज, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और क्या बन सकेगा नेवर में? मैंने आपको एक सेंटेंस बता दिया है और अपने मन से एक सेंटेंस लिखिए। लव, लव मतलब प्यार, और घृणा हेट, लव का अपोजिट वर्ड है हेट। तो हेट, हेट का एक सेंटेंस बताइए। आई हेट मुझे क्या घृणा है? आई हेट खाने में या फिर कुछ करने में जिसको घृणा हो वो सब हम लिख सकते हैं। आई हेट जस्ट ऐसे लिखते हैं, मुझे करेला पसंद नहीं है। आई हेट बिटर गॉर्ड, आई हेट प्लेइंग इन मड्स, मिट्टी में खेलना पसंद नहीं है। एंड ईजी, ईजी का अपोजिट वर्ड है डिफिकल्ट। ईजी का अपोजिट है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का सेंटेंस होगा डिफिकल्ट मतलब कष्ट, ये कष्ट काम था, जैसे दैट वाज ए डिफिकल्ट टास्क, दैट वाज ए डिफिकल्ट टास्क फॉर जीनी। पुल, पुल का अपोजिट वर्ड होगा पुश। पुल का मतलब खींचना और पुश का मतलब ऐसे ठेलना, पीछे से धकेलना। पुश, डोंट पुश ईच अदर व्हाइल प्लेइंग, डोंट पुश ईच अदर व्हाइल प्लेइंग, खेलते समय एक दूसरे को खींचना या फिर धकेलना ठीक नहीं, पुश। देन फोलिस, फोलिस मतलब बेवकूफ, उसका ऑपोजिट होगा वाइज, बुद्धिमान। ऐसे लिख देंगे द स्कूल मास्टर वाज ए वाइज पर्सन और मैन, द स्कूल मास्टर वाज ए वाइज मैन। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का होगा वीक, स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग मतलब शक्तिशाली और वीक मतलब दुर्बल। ऐसे लिख देंगे ही इज ए वीक बॉय, वो एक दुर्बल बच्चा है, ही इज ए वीक बॉय। और ऐसे लिख देंगे ही इज ए वीक ओल्ड मैन, वो एक दुर्बल सा दुर्बल इंसान है। तो अब है हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश होना और हैप्पी का ऑपोजिट है सैड, दुखी होना। आई एम सैड और ही इज सैड,
वो दुखी है, सी इज सैड, ऐसे लिख देंगे शॉर्ट सिंपल सेंटेंस। मास्टर, मास्टर का ऑपोजिट है सर्वेंट, मालिक नौकर, मास्टर मालिक, सर्वेंट नौकर। सर्वेंट, मिस्टर जॉन हैज ए सर्वेंट, मिस्टर जॉन हैज ए वाइज सर्वेंट, ऐसे लिख देंगे। मिस्टर जॉन के पास एक अच्छा सा नौकर है, मिस्टर जॉन हैज ए वाइज सर्वेंट। एंड ये खत्म हुआ ऑपोजिट वर्ड्स। देन ग्रामर इन यूज, ग्रामर इन यूज, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग नॉट एनी, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग नॉट एनी। सेंटेंस दिया गया है हमें नॉट एनी करके सेंटेंस को रीराइट करना है। फर्स्ट वन, ही गेव हिम नो वर्क, ही गेव हिम नो वर्क। गेव जो वर्ब है उसको जब हम सेंटेंस में नॉट एनी लगाएंगे तो डेड नट लगाएंगे और गेव हो जाएगा गिव, और नो के बदले एनी। ही गेव हिम नो वर्क, ही डिडंट गेव हिम एनी वर्क। गेव के बदले हमने डिड नॉट गिव यूज किया है एंड नो के बदले एनी यूज किया है। तो ये सेंटेंस में ही डिडंट गिव हिम एनी वर्क। नंबर टू, आई रोट हिम नो लेटर, आई रोट हिम नो लेटर। यहाँ राइट रोट हुआ है इसलिए यहाँ भी डिडंट यूज होगा, डिड नॉट, डिडंट, आई डिडंट और डिड नॉट रोट हो जाएगा राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई, आई डिडंट राइट हिम एनी लेटर, आई डिडंट राइट हिम एनी लेटर। नो के बदले एनी। नंबर थ्री, सी टॉट अस नो लेसन, सी टॉट अस नो लेसन। सी टीच हो जाएगा, टीच के बदले टॉट लिखा गया है पास्ट फॉर्म में। सी डिड नॉट, सी डिडंट टीच अस एनी लेसन, सी डिड नॉट और डिडंट अस एनी लेसन। नंबर फोर, यू सेंड मी नो मैसेज, यू सेंड मी नो मैसेज। सेंड, सेंड हो जाएगा यहाँ पास्ट फॉर्म सेंड दिया गया है, तो यू डिड नॉट सेंड, एस ई एंड डी, यू डिड नॉट सेंड मी एनी मैसेज, यू डिड नॉट सेंड मी एनी मैसेज। नंबर फाइव, दे शोड अस नो पिक्चर, दे शोड अस नो पिक्चर। दे डिड नॉट शो अस एनी पिक्चर, दे डिड नॉट शो अस एनी पिक्चर, दे डिड नॉट शो अस एनी पिक्चर। देन ये तो हो गया, तो टाइम इज शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म्स। रीराइट ई सेंटेंस यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, रीराइट ई सेंटेंस यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इस सेंटेंस में जिसको अंडरलाइन किया गया है उसे ही हमें शॉर्ट फॉर्म्स करना है। फर्स्ट वन इज, वी हैव गॉट ए बिग हाउस, वी हैव गॉट ए बिग हाउस। देखो वी हैव के नीचे अंडरलाइन किया गया है, देन वी हैव गॉट ए बिग हाउस, देखिए कैसा लिखा गया है शॉर्ट फॉर्म्स, वी हैव गॉट ए बिग हाउस। हैव की एच ए बी शॉर्ट फॉर्म में बी ई
लिखा गया है। नंबर टू, वी हैव नॉट गॉट एनी बिग हाउस, वी हैव नॉट गॉट एनी बिग हाउस। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म होगा वी हैव नॉट, एन लिखे एन लिख के कॉमा टी अपोस्ट्रोफिस कॉमा एंड टी, हैव नॉट गॉट एनी बिग हाउस। नंबर थ्री, आई हैव गॉट मच वर्क टू डू, आई हैव गॉट मच वर्क टू डू। आई हैव में कैसे शॉर्ट फॉर्म होगा आई ऊपर में कॉमा अपोस्ट्रोफिस एंड वी ई, आई हैव गॉट मच वर्क टू डू। नंबर फोर, आई हैव नॉट गॉट एनी वर्क टू डू, आई हैव नॉट गॉट एनी वर्क टू डू। हैव नॉट हैव कॉमा हैव एन कॉमा टी। नंबर फाइव, ही हैज गॉट नो मनी विथ हिम, ही हैज गॉट नो मनी विथ हिम। He has got no money with him. Number six, he has not got any money with him. ऊपर he has लिखा गया था और नीचे he has not. Has not में comma has n comma t. Has not got any money with him. गिर गई। She hit a stone and fell.
गिरने के बाद क्या हुआ होगा, उसकी दूध की मटकी मटका फट गया होगा। द पॉट ऑफ मिल्क ब्रोक, द पॉट ऑफ मिल्क ब्रोक, उसकी मटकी दूध की मटकी फट जाता है। द पॉट ऑफ मिल्क ब्रोक। आपका ये डॉग्स टेल का क्वेश्चन आंसर आज खत्म होता है।